हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में कि यह व्रत कब पड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस बार बहुत कंफ्यूजन है कि व्रत 22 तारीख को है या 23 तारीख को। तो स्मार्ट लोगों को व्रत कब करना है, वैष्णवों को व्रत कब करना है, ये इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। साथ ही पूजा विधि किस प्रकार से करनी, इस एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है, साथ ही संपूर्ण जानकारी देंगे, पारण का समय बताएंगे दोस्तों आपको। तो आप इस वीडियो को टिल एंड तक वॉच कीजिएगा जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। साथ ही दोस्तों, अगर आपको आज हमारी ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों क्या करना है आपको, आपको इस वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, साथ ही कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। साथ ही अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और दोस्तों शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे वो लोग भी इस एकादशी के महत्व को जान पाए कि इस एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व क्यों है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम इस वीडियो को। और दोस्तों साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जो है हम वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स डालते हैं, साथ ही आपको दर्शन कराते हैं हमारे बिहारी जी के, राधा गोविंद जी के दोस्तों। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की मोहिनी एकादशी की इस वीडियो को। वैशाख मास के शुगल पक्ष की एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, मोहिनी मतलब मोह को नाश करने वाली एकादशी है। तो जो भी साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनका मोह नाश होता है, साथ ही श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के ही दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश निकला था तो उस कलश को जो है राक्षस लोग भागने लगे थे, तो उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं को अमृत कलश का पान कराया, क्योंकि उन्होंने जो है राक्षसों को अपने मुँह से छला था। तो इसीलिए आज के दिन यह अवतार हुआ था, जिसका उल्लेख हमें स्कंद पुराण के अनुसार मिलता है। और साथ ही दोस्तों सीता जी के वियोग में दुखी भगवान राम ने भी मोहिनी एकादशी का व्रत रखा था, जिसके प्रभाव से उन्हें दुखों से मुक्ति मिली थी। और दोस्तों ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि द्वापर युग में युधिष्ठिर ने भी जो है इसी एकादशी का व्रत करके अपने कष्टों से मुक्ति पाई थी। दोस्तों कितनी फलकारी एकादशी है, हम ही सबको इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत करने से सुख समृद्धि प्राप्त होती है, भगवान विष्णु का लोक वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। साथ ही जो कोई भी एकादशी का व्रत करता है उससे भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि एकादशी व्रत का क्या महत्व है। तो दोस्तों अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा है, अगर आप एकादशी व्रत नहीं करते हैं तो दोस्तों आप सभी को एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। और जो व्रत करने में सक्षम नहीं है तो दोस्तों उन्हें एकादशी की पूजा और कथा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी जो है बहुत बड़ा दिन होता है, इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस व्रत में जो है पूजा विधि किस प्रकार से है, नियम क्या है इस व्रत के, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों हर एकादशी की तरह एकादशी तिथि के जो नियम हैं वो एक दिन पहले ही शुरू हो जाते हैं। मतलब एकादशी का जो व्रत होता है वो 3 दिन का होता है, जो कि दशमी से लेके द्वादशी तक चलता है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं दशमी तिथि के क्या नियम हैं। तो दोस्तों दशमी तिथि के दिन आपको चना, मूंग, मसूर, उड़द की दाल, बैंगन, चावल, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक समय शुद्ध सात्विक भोजन लेना है, साथ ही आपको इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए धरती पर शयन करना है। हो सके तो इस दिन आप भगवान विष्णु का जाप या कीर्तन करते हुए शयन कीजिए। उसके बाद एकादशी तिथि के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उसके बाद गंगा जल आदि डाल के स्नान करिए। स्नान करने के बाद आप इस दिन पीले कलर के वस्त्र या फिर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनिए। कपड़े पहनने के बाद उसके बाद आपको दोस्तों सूर्य नारायण को अर्घ देना है। सूर्य उगते समय पहली किरण के साथ आपको अर्घ दीजिए, इससे बहुत अच्छा होता है दोस्तों, सुख समृद्धि प्राप्त होती है तथा रोगों की मुक्ति होती है। तो सूर्यनारायण के लिए आप एक तांबे के लोटे में लाल रंग का फूल, लाल चंदन और थोड़ा सा गुड़ डाल के जो है आप सूर्यनारायण को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद तुलसी की पूजा करिए। ध्यान रखिएगा तुलसी की पूजा जो है रविवार के दिन नहीं करते हैं, तो अगर एकादशी के दिन रविवार है तो आप तुलसी की पूजा नहीं करेंगे, साथ ही उस दिन तुलसी भी नहीं तोड़ेंगे। तो आप दशमी के दिन तुलसी तोड़ के रखिए, तो फ्रिज में रख सकते हैं, ख़राब नहीं होती है इस प्रकार। तो तुलसी पूजन अगर रविवार नहीं है तो आप करिए, रविवार है तो मत कीजिए। उसके बाद आपको करनी है एकादशी की पूजा। अब दोस्तों एकादशी की पूजा के सेपरेट वीडियो का अलग से हम डाल चुके हैं, पर आपको एक संक्षिप्त विधि बता देते हैं हम। तो वैसे तो आप एकादशी की जो पूजा है वो अपने मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि आपको पूजा कैसे करनी है। तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले आपको उस जगह पर गंगा जल
और हल्दी से लिपाई कर देनी है। उसके बाद उस पर एक चौकी लगानी है, चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है। और आपके पास जो भी शेवित श्री विग्रह हैं, अगर आपके पास युगल सरकार हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, शालिग्राम जी हैं या विष्णु भगवान लक्ष्मी माता हैं, जो भी आपके विग्रह हैं या तस्वीर भी है, तो आपको पूजा अवश्य करनी है। उसके लिए आप जो है श्री विग्रह को जो है पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध जल से स्नान कराइए, क्योंकि दोस्तों चंदन यात्रा भी चल रही है, तो आप इस टाइम करोध्वज स्नान ज़रूर कराइए। करोध्वज स्नान होता है थोड़ा सा चंदन थोड़ी सी रोली को मिलाकर भगवान को स्नान कराया जाता है। इसमें वैशाख मास में बहुत पुण्य होता है और वैसे भी हमेशा आपको ज़रूर कराना चाहिए। तो इस स्नान को कराने के बाद आप भगवान को अच्छे से पोछिए, उसके बाद भगवान का सुंदर श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार करने के बाद भगवान को चंदन का लेप ज़रूर लगाइए, क्योंकि दोस्तों बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं और साथ ही चंदन यात्रा भी चल रही है, तो भगवान को आप विशेष रूप से चंदन का लेप करके उनका सुंदर श्रृंगार कीजिएगा। भगवान को हो सके तो पीले वस्त्र ज़रूर पहनाइए, पीले वस्त्र अर्पण कीजिए। भगवान विष्णु को जो है जनेऊ ज़रूर अर्पण करिए, भगवान को मोली चढ़ाइए, माँ लक्ष्मी को रोली लगाइए, राधा रानी है तो उनकी रोली लगाइए। सब कुछ लगाने के बाद अब आपको भगवान को पीले फूल चढ़ाने हैं, क्योंकि भगवान को पीले फूल विशेष प्रिय होते हैं। इस दिन जो है चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप इस दिन पूजा में जो है जहाँ भी चावल का प्रयोग होगा उस समय आप जो है तिल का प्रयोग करेंगे, सफ़ेद तिल यूज़ करते हैं हम इस पूजा में। इसके बाद आपको भगवान की सबसे फेवरेट चीज़ चढ़ानी है, जो कि है तुलसी दल। तुलसी दल एक दिन पहले ही तोड़ के रख लीजिएगा दशमी तिथि को। अगर एकादशी संडे की है तो उस दिन आप तुलसी पूजा भी नहीं करेंगे दोस्तों। साथ ही भगवान को आप लौंग, इलायची, नारियल, सुपारी आदि समग्र सामग्रियाँ चढ़ाइए। उसके बाद जो है भगवान को भोग लगाइए। भोग में इस दिन आप जो है मखाने की खीर बनाइए। सब कुछ भोग लगाने के बाद भगवान को उसके बाद सुननी है आपको एकादशी व्रत की कथा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एकादशी की कथा हमें ज़रूर सुननी चाहिए, या हमने व्रत किया हो या ना किया हो, पर एकादशी का व्रत इतनी फलदायक है कि आपको ज़रूर एकादशी व्रत की कथा सुननी चाहिए। वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा एकादशी व्रत की कथा का। उसके बाद दोस्तों आपको करना है जो भी पाठ आप करना चाहें, जैसे कि विष्णु चालीसा है, गोपाल चालीसा है, जो भी चालीसा आप करना चाहें वो कर सकते हैं। राधा कृपा कटाक्ष, गीता जी का पाठ कर सकते हैं, भागवत कथा का पाठ करना इस दिन बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो आप जो भी पाठ करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपको करना है अधिक से अधिक नाम जाप। नाम जाप के लिए मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको कम से कम इस दिन 108 बार जाप अवश्य करना है। उसके बाद जो भी आप अपना गुरु मंत्र चाहें वो जाप करिए, बहुत श्रेष्ठ होता है, क्योंकि एकादशी व्रत के दिन जो भी हम जो है नाम जाप करते हैं उसका अन्य दिनों के बराबर जो है हजारों गुना फल मिलता है, तो हमें ज़रूर इस दिन का सदुपयोग करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो हवन कर सकते हैं, या आप ऑप्शनल है, पर अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों कोरोना काल चल रहा है तो आपको जो है इस दिन हवन ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि जो है हमारा वातावरण बहुत शुद्ध हो जाता है और पवित्र हो जाता है। उसके बाद करनी है आपको ठाकुर जी की आरती, एकादशी माता की आरती ज़रूर करिएगा। एकादशी माता की आरती बहुत अच्छी होती है। आपको जो है इंस्टाग्राम पर हम मैसेज कर देंगे, आप वहाँ जाके एकादशी माता की आरती सुन सकते हैं दोस्तों। उसके बाद करना है आपको भगवान के सामने संकल्प कि आपको व्रत कैसे करना है। तो दोस्तों इस व्रत को जो है आप निर्जल कर सकते हैं, निर्हार कर सकते हैं, और एक समय फलहार लेके भी इस व्रत को किया जा सकता है। तो ये आपको अपने शरीर के ऊपर निर्भर करना है कि आप व्रत कैसे करेंगे दोस्तों। एकादशी के दिन पूरे दिन भगवान विष्णु का जो है नाम जाप करते रहिए आप, मतलब भगवान विष्णु का स्मरण करते रहिए मन ही मन में। और शाम के समय अगर आप जिस हिसाब से आपने व्रत किया उस हिसाब से आप फलियार ले लीजिए। अगर आपने एक समय फलियार लेने का किया है तो आप सूर्य अस्त होने से पहले ही जो है फलियार कर लीजिए। उसके बाद शाम की आरती करिए, भगवान की संध्या आरती करिए। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप जागरण भी कर सकते हैं, नहीं तो आप भगवान का जो है एटलीस्ट 12 बजे तक नाम जाप ज़रूर करिए, बहुत अच्छा होता है। एकादशी के जागरण का तो वैसे भी दोस्तों जो है फल बहुत उत्तम होता है। तो आप इस तरह से जो है एकादशी की पूजा कीजिए। अब बताते हैं आपको द्वादशी के दिन आपको क्या करना है। तो दोस्तों द्वादशी के दिन आपको फिर से सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको भगवान जी का जो भी श्री विग्रह है उसको आपको कच्चे दूध से स्नान कराना है, क्योंकि दोस्तों एकादशी के दिन हमें पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और द्वादशी के दिन जो है हमें कच्चे दूध से स्नान कराना चाहिए। इससे जो है देवी देवता बहुत खुश होते हैं। तो आप भगवान को दूध से स्नान कराइए, उसके बाद भगवान की विधिवत पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद आपको ब्राह्मण के लिए दान निकालना है। इस दान में जो है आप चावल का दान, अन्न का दान विशेष रूप से करिए, क्योंकि दोस्तों इस समय कोरोना चल रहा है, तो आप जो है इस समय कच्चा अन्न निकाल दीजिए। कच्चा अन्न निकाल के ब्राह्मण के निमित्त निकाल के रख दीजिए। जब भी आपको मंदिर वगैरह जाएँ, जब भी आपके पास कोई ब्राह्मण देवता आए तो आप उनको वो दान दे दीजिए, या फिर अगर आपके पास सुविधा है तो आप जाके भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद दोस्तों आपको करनी है अपने व्रत का पारण।
तो दोस्तों पारण आपको कैसे करना है, आपको लेने हैं तुलसी पत्र, थोड़ा सा गंगा जल और एक दाना चावल का। इसको आप जो है भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र हो या गायत्री मंत्र सबसे बेस्ट होता है, तो आप गायत्री मंत्र बोलते हुए इस जल को पी जाइए, तो दोस्तों आपके व्रत का पारण भी हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अगर आपको व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो एकादशी व्रत में जो पारण का समय बताया होता है उसी के अंदर आपको व्रत का पारण करना होता है। पारण का समय दोस्तों हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो ये जाना आपने कि एकादशी की आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, साथ ही आपने 3 दिनों के जो है नियम जाने। अब आपको बता देते हैं कि ये व्रत आपको कब करना है, क्योंकि दोस्तों इस बार जो है बहुत कन्फ्यूजन हो गया है कि एकादशी व्रत 22 तारीख को करें कि 23 तारीख को करें। चलिए इस कन्फ्यूजन को आपको दूर करते हैं। तो दोस्तों एकादशी तिथि जो शुरू हो रही है वो हो रही है 22 मई को सुबह 9:15 से लेके और समाप्त हो रही है 23 मई को सुबह 6:42 तक। तो दोस्तों 22 मई को जो है सूर्य उदय के समय दशमी है, उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी, और 23 तारीख को सूर्य उदय के समय जो है एकादशी तिथि है, उसके बाद जो है द्वादशी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले जो है 22 तारीख को जो है दोस्तों दशमी युक्त एकादशी है, जिसको कि वृद्धा एकादशी बोलते हैं, जो स्मार्ट संप्रदाय लोग फॉलो करते हैं। तो जो भी आप संप्रदाय से हैं उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, अगर आप स्मार्ट संप्रदाय से हैं तो आपको 22 तारीख को एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि दोस्तों खाटू श्याम जी में भी जो है 22 तारीख को एकादशी मनाई जाएगी। और दोस्तों जो भी वैष्णव जन हैं उनको 23 तारीख को एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि इस बार जो है महाद्वादशी योग बन रहा है, जिसको कि हम 23 महाद्वादशी बोलते हैं। इसके अनुसार जो है दोस्तों जब भी सूर्य उदय के समय एकादशी तिथि हो और फिर सारे दिन द्वादशी तिथि रहे, फिर अगले दिन सूर्य उदय के समय त्रयोदशी तिथि हो, तो उसे बोलते हैं 30 महाद्वादशी, क्योंकि 23 तारीख को यह महाद्वादशी है। इसलिए जो है वैष्णवों को महाद्वादशी का व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, इसीलिए जो है दोस्तों आप सब लोग महाद्वादशी का व्रत करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी का व्रत हो और उसके साथ ही अगर महाद्वादशी पड़े तो एकादशी को छोड़कर हमें महाद्वादशी का पालन करना चाहिए, जो कि बहुत श्रेष्ठ होता है दोस्तों। तो चलिए अब बताते हैं आपको कि पारण कब करना है। तो जैसे कि इस बार एकादशी 2 दिन की है, तो पारण का समय भी दोस्तों 2 दिन का ही बता देते हैं आपको। जो भी लोग 22 तारीख को व्रत कर रहे हैं उनको पारण जो है 23 तारीख को करना है, वो करना है दोपहर के 1:40 से लेके शाम को 4:25 तक। और जो भी दोस्तों वैष्णव जन हैं, जो भी 23 तारीख को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, मतलब महाद्वादशी का व्रत कर रहे हैं, उनको पारण करना है 24 मई को सुबह के दोस्तों 5:26 से लेके 8:11 तक सुबह के पारण कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि पारण का समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगर आप हमारी माने तो कहते हैं कि महाद्वादशी का व्रत करना 1000 एकादशियों के बराबर होता है, तो आप सब लोग जो है 23 तारीख को व्रत का पालन कीजिएगा, जो कि रविवार पड़ रहा है इस बार। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि तुलसी इस दिन ना तोड़ें, इस दिन आपको नमक का भोजन नहीं करना है, क्योंकि रविवार के दिन जो है हमें बिना नमक का फलिहार करना होता है। तो आप सब लोग जो है फलिहार बिना नमक का लीजिएगा, और हो सके अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो इस दिन गौमूत्र का आचमन करिएगा। कहते हैं कि इस दिन मोहिनी एकादशी के दिन गौमूत्र का आचमन करने से जो है गिद्ध की योनि से जो है मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी मोहिनी एकादशी के बारे में, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है दोस्तों, तो वीडियो को क्या करना है आपको दोस्तों, वीडियो को एक लाइक करना है, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों शेयर कीजिएगा इस फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को, जिससे वो लोग भी दोस्तों इस इंपॉर्टेंट जानकारी को जान पाएँ कि व्रत कब करना है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है दोस्तों इस बार। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको आने वाली हमारी कथा कि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, साथ ही श्रृंगार की एकादशी के जो दर्शन करेंगे आप उसकी भी दोस्तों नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।